वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में 44वें गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की बैठक के नतीजे को संबोधित किया। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जहां पर उन्होंने कोविड-19 संबंधित वस्तुओं पर दर युक्तिकरण पर चर्चा की। निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने रेट रैशनलाइजेशन पर जीओएम की सभी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, उत्पादों की 4 श्रेणियों यानी दवाइयों, ऑक्सीजन उत्पादन उपकरण, परीक्षण किट और अन्य मशीनों और अन्य कोविड-19 संबंधित राहत सामग्री के लिए जीएसटी दरें तय की गई है। उन्होंने कहा कि परिषद ने म्यूकरमाइकोसिस, जिसे आमतौर पर ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है, उसकी दवाओं के टैक्स में कटौती की है, जिसे शून्य कर दिया है। इसमें टोसिलिम्बाम और कई सारी ऐसी दवाइयां शामिल है जो म्यूकरमाइकोसिस का इलाज करती है। कोविड-19 राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही स्पेसिफाइड वस्तुओं पर 30 सितंबर 2021 तक वैध है और ये सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एम्बुलेंस पर जीएसटी 28% से घटाकर 12% कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन पर 5% जीएसटी ही रहेगा। केंद्र घोषणा के अनुसार 75% वैक्सीन खरीदेगा और उसका जीएसटी भी चुकाएगा, लेकिन जीएसटी से होने वाली आय का 70% राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा। बिजली की भट्टियों और टेम्परेचर चेक करने के उपकरणों पर जीएसटी को घटाकर 5%, एम्बुलेंस पर 12% कर दिया गया है। सीतारमण ने यह भी कहा कि ये दरें जीओएम द्वारा अनुशंसित अगस्त अंत के मुकाबले सितंबर तक वैध रहेगी। 28 मई को अपनी बैठक में जीएसटी परिषद ने कई स्पेसिफाइड कोविड-19 संबंधित सामानों पर आईजीएसटी से पूर्ण छूट की सिफारिश की थी। ये सामान जैसे कि मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य ऑक्सीजन स्टोरेज और परिवहन इक्विपमेंट्स, कुछ डायग्नोस्टिक मार्कर टेस्ट किट और कोरोना की वैक्सीन, जो कि भले ही सरकार को दान के लिए भुगतान के आधार पर या किसी राहत एजेंसी को राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर आयात किए गए हों। इस साल ये छूट 31 अगस्त तक मान्य है। वर्तमान में डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर की गई वैक्सीन पर 5% जीएसटी लगाया जाता है, जबकि ये कोविड-19 दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए यही दर 12% है। अलग अलग आइटम के संबंध में जीएसटी काउंसिल ने मंत्रियों के एक समूह यानी जीओएम का गठन करने का फैसला किया, जो कि कोविड-19 से संबंधित व्यक्तिगत वस्तुओं को तुरंत और राहत देने की आवश्यकता पर विचार करेगा। काउंसिल ने छोटे करदाताओं और मध्य करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने का भी निर्णय लिया और छोटे करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए लेट फी पेयेबल को कम करने के लिए एक माफी योजना की सिफारिश भी की। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी देश और दुनिया से जुड़ी हुई सारी खबरें पाने के लिए आप देखते रहिए OTT इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।